आज हम ई शिक्षकोश पोर्टल पर शिफ्ट ऐड करने के प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले आप ऑफिशियल्स यूजर टाइप को चूज करके आप लॉगिन हो जाएं। मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड खुल के आएगा उसमें मास्टर आइकन को चूज करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब उसमें शिफ्ट मास्टर पे हम जाएंगे और फिर ऐड शिफ्ट मास्टर पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट सिलेक्ट करेंगे, पीरियड फ्रॉम टाइम सिलेक्ट करेंगे, पीरियड टू टाइम सिलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपकी सामने वो पूरा डिटेल आ जाएगा जो आप ऐड शिफ्ट मास्टर में डाले हैं। फिर हम लोग लॉग आउट हो जाएंगे।